الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه تهو خير لكم انما الله اله واحد صدق الله العظيم اج हराम सन चौदह सौ पैंतालीस हिजरी का की दूसरी तारीख है दो मुहरम हराम उन चार महीनों में से है जिनमें कत्ल क़िताल हराम है कत्ल कताल हराम होने की वजह से इसको मुहर्रम कहा जाता है और ये बात कुरानी करीम में अल्लाह ताला ने फरमाई है अरबातुन हरम के बारह महीनों में से चार महीने हुरम हराम और हुरमत वाले हैं और इसी हुरमत में अहतराम भी है कि इन महीनों के एहतराम में लड़ाई और जंग और खूनरेजी वो बंद होती है मना होती है हराम का महीना हमेशा से है जब से ये दुनिया है तब से साल के बारह महीने हैं और उन महीनों में पहला महीना मुहर्रम का है इस महीने में आशूरा का दिन भी है दस हराम और उसकी आजमत भी पहले से है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनोवरा तशरीफ लाए तो मक्का मुकर्रमा में कुरैश थे जो कि किमूम बुतप्रस थे और मदीना मुनव्वरा, जिसका पहले नाम था यसरब उसमें ज्यादातर यहूदी थे तो यहाँ आकर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग आशूरा को यानी दस मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यह क्यों रोज़ा रखते हैं तो कहा गया कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरा से नजात दी थी बनी इसराइल को नजात दी थी उनके दुश्मन को हलाक किया था और उस नियामत की याद में ये लोग रोजा रखते हैं तो नबी करीम वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ये मनगणत बात है ये भी नहीं फरमाया कि अगर ऐसा हुआ है तो उस दिन रोजा रखने की क्या जरूरत है बल्कि फरमाया कि हम हज़रत मूसा सलाम के ज्यादा उनके पैरवी के हकदार हैं अगर ये लोग मूसा का नाम लेकर उनको मिलने वाली आज़ादी और नजात और उनके और अल्लाह के और बन इसराइल के दुश्मन और दुनिया के बहुत बड़े तागूत फिर की हलाकत पर अगर ये रोज़ा रखा जा रहा है तो फिर हमें भी रखना है ये रोज़ा इसलिए कि मूसा सलाम के ज्यादा पैरोकार तो हम हैं ये उनके नाम लेवा जरूर हैं, लेकिन इन्होंने तो हजरत मूसा के तालीमत को मसख कर दिया है उनकी किताब में अपनी तरफ से तहरीफ की है तब्दीलियाँ की है अपनी ख्वाहिशा के मुताबिक बना दिया है उसको और हम मसीम के सही पैरोकार हैं इसलिए कि जो अल्लाह का दीन है अल्लाह ने उसकी तजदीद फरमाई है तजदीद का मतलब ये है कि नए सिरे से अल्लाह ताला ने वही में हमें बतला दिया है कि साबिका इख्तलाफात में और साबिका किस्सों में और वाकयात में हकीक़त किया है और अफसाना किया है वही के जरिए जब अल्लाह ने बर रास्त अपने आखिरी नबी को बता दिया तो वही हक है और मूषा सलाम हज़रतम और दीगर अम्बिया के मतलब कुरानी करीम में आखिरी वही में जो मौक़ है वही हक का मौक़ है और ये रोज़ा लोग पहले भी रखते थे रमजान का रोजा जब फर्ज नहीं हुआ था तो आशूरा का रोजा ही फर्ज था मिल्लत इब्राहिमिया में अब जब रमज़ान के रोजे फर्ज हो गए तो इसकी फर्जियत खत्म हो गई कि मुहर्रम दस मुहर्रम को जो रोज़ा रखा जाता है उसकी फर्जियत खत्म हो गई अब वो जायज़ है मुस्तहब है फजीलत है उसमें अजर षवाब है लेकिन वो फर्ज नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात तो ये फरमाई कि सलाम के असल पैरोकार हम हैं और हम भी ये रोज़ा रखेंगे लेकिन हम और यहूद इसमें जब मुश्तरक हो जाए तो हमें यहूद से भी मुशाबाह इख्तियार नहीं करनी है इसलिए कि वो तो अल्लाह के नबियों के कतिल हैं हजरत जकरिया और को इन्होंने अपने हाथों से शहीद किया हजरत ईसी को कत्ल कराने की कोशिश की तो यहूदी तो अल्लाह के अम्बिया के कतिल है अल्लाह के अम्बिया को रसूलों को झुटलाने वाले लोग हैं अल्लाह की किताबों को बदलने वाले लोग हैं तो इन अल्लाह के दुश्मनों के साथ हमारी कोई मुनासबत और कोई इश्तराक नहीं होना चाहिए हम अल्लाह वाले हैं हम हक वाले हैं और ये बातिल वाले हैं कुरानी करीम की के नजूल नु, के, के बाद तो इनका दीन मनसूख हो गया है लिहाजा हम इनके मुशाबहत से भी बचेंगे और मुशाबहत से बचने और मूसा सलाम से मुनासबत कायम करने का तरीका ये है कि हम आशूरा का रोजा भी रखें और एक दिन का रोजा मजीद रखें नौ नौ मुहर्रम या ग्यारह महरम मुसीम के पैरवी में और उनके साथ एक जिहाती के तौर पर हमने भी खुशी में दस महरम का रोजा रखा जो फर्ज नहीं है लेकिन उसकी फजीलत और उसका अजर है और उसके साथ एक रोजा बढ़ाकर हमने अपने और यहूदियों के दरमियान इश्तराक को ख़त्म कर दिया कि हमारा तरीका अलग है इनका तरीका अलग है मालूम हुआ कि मुहर्रम की फजीलत और उसकी आजमत भी पहले से है और दस मुहर्रम हराम की फजीलत भी पहले से है हजरत हुसैन रज़ी नवासा रसूल हैं नबी करीम वसल्लम के नवासे हैं वल जमात के नज़दीक वो सहाबी है जबकि शिया उनको इमाम कहते हैं हम भी इमाम हुसैन कहते हैं लेकिन इमाम ताज़ीम के लिए अहतराम के लिए कहते हैं इमामत का कोई नज़रिया अहले सुन्नत के नज़दीक नहीं है आलिसनत जमात के नजदीक अल्लाह के नबी सारे के सारे मासूम हैं सारे के सारे उनमें मरातब है फर्क है अफजल अंबिया मोहम्मद सल्लाम में सबसे अफजल अम्बिया ने जिनकी उम्मत में शामिल होने की तमन्ना की है तो सबसे अफजल मोहम्मद अलैहि वसल्लम है फिर इब्राहिम नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद ये पांच अंबिया हैं जिनको उलुल आजम कहा जाता है जैसे सुहाबा में चार खुलफा हैं, इसी तरह अम्बिया में पांच नबी हैं तो बहुत बड़े दर्जे के हैं इब्राहिम बल्कि उनसे पहले नूह इब्राहिम के बाद फिर मूसा ईसा और मोहम्मद अलैहि वसल्लम तीनों उनके औलाद में है बनू इसराइल और बनू इस्माइल और इसके अलावा मुरसलीन और रसूलों की अपनी एक तादाद है कम है और अंबिया ज्यादा है नबी का दर्जा रसूल से कम होता है रसूल वो अल्लाह के नबी होते हैं जिनके जिम्मे तबलीग होती है वरना बहुत सारे अंबिया आए हैं जिन्होंने तबलीग नहीं की और वो नबी है या तबलीग के अलावा हम ये कह सकते हैं कि जिन पर मुस्तकिल वही नाजिल हुई है और जिनको किताब और साहिफा दिया गया उनको रसूल कहा जाता है तो फर्क मरातब अंबिया में है लेकिन कोई नबी ऐसा नहीं है जो मासूम ना हो हजरत यूनुस यूनूसम के मुतिक कुरानी करीम में आया है कि अपनी कौम से तंग आकर वो भागे इज अबाका फुल्किल मशहूद और अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए कि आपने इस तरह नहीं जाना था चरांचे जिस किश्ती में वो सवार हो गए उस किश्ती वो किश्ती डूबने लगी और उस मल्लाह ने कहा कि यह किश्ती उस वक्त डूबती है जब उसमें कोई आकाश से भागा हुआ गुलाम बैठता है तो हजरत यूनुस समझ गए कि मैं अपने अरब से भाग गया हूं अल्लाह का हुक्म था कि मैं अपनी कौम में रहूं लेकिन मैं तंग आ गया और भाग रहा हूं तो वो समझ गए उन्होंने कहा मैं हूं कहा गया कि भाई किश्ती दरिया के दरमियान है इस वक्त अगर वो गुलाम किश्ती से दरिया में छलांग लगाएगा तो किश्ती वाले सब बच जाएंगे वरना सब गर्क हो जाएंगे कोई और रास्ता है ही नहीं वो अल्लाह के नबी थे हर हाल में उन्होंने अल्लाह की तात करनी थी तो वो समझ रहे थे कि खुशकी में भी अल्लाह मेरा रब है परवरदिगार है दरिया के अंदर भी मेरा परवरदिगार है वो मुझे नहीं बचाएगा तो मैं खुशकी में भी नहीं बच सकता वो मुझे बचाएगा तो मैं दरिया में भी बच जाऊंगा दरिया की सारी मखलूक़ भी अल्लाह ताला के पाबंद है और खुशकी के सारे मखलूक़ भी उन्होंने छलांग लगाई और मछली के पेट में चले गए और फिर मछली के पेट से अल्लाह तला ने उनको निकाला साहिल समंदर पे कुरानी करीम में अल्लाह का कलाम है अल्लाह ने फरमाया वो मजमूम है तो इससे कुरान पढ़ते पढ़ते किसी के जहन में आ सकता है कि यूनस सलाम का कोई इतना बड़ा मकाम तो नहीं था वो तो भाग गए थे इस्तेकाम इख्तियार नहीं की थी कुरान ने उसके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस ये पढ़कर वो ये भी कह सकता है कि मैं यूनुस से बेहतर हूं मैं अल्लाह का बहुत बड़ा वली हूं फरमाबरदार हूं इबादत गुजार हूं मैं नहीं भाग रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं, सबर कर रहा हूं जिहाद कर रहा हूं जो भी नेक कामल है मैं यूनुस से बेहतर हूं या फिर वो ये कह सकता है कि हमारे नबी यूनुस से बेहतर है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी यह न कहे कि मैं यूनुस से बेहतर हूं हदीस के अल्फाज है आना खैर यूनो मत्ता अपने बारे में तो बिल्कुल भी न कहे मोहम्मद अलैहि वसल्लम के बारे में भी बिला वजह बिला जरूरत यह ना कहे कि यूनस से मोहम्मद बेहतर है और इसका एक और वाकया हदीस में आता है कि एक यहूदी ने एक मुसलमान के सामने कहा उस जात की कसम जिसने मूसा को तमाम इंसानियत पर फजीलत दी है तो एक मुसलमान खड़ा था उसने कहा कि तमाम इंसानियत पर फजीलत दी है मोहम्मद पर भी तो उसने कहा हां या उसने हां कहा या वो खामोश हो गया उस मुसलमान ने उसको थप्पड़ मारा कि तुमने मूसा को मोहम्मद से कैसे अफजल कहा वो यहूदी रोता हुआ नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि मुझे इस मुसलमान ने मारा है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों मारा है तो उसने कहा कि इन्होंने मूसा आलम को सारी इंसानियत से अफजल कहा और सारी इंसानियत में तो सारे अम्बिया भी दाखिल है एक लाख चौबीस हजार और आप भी दाखिल हैं तो आपसे भी अफजल है कि मूसा नबी करीम सल्लाम ने बावजूद है कि आप सबसे अफजल है आपने ये नहीं फरमाया कि यह तुम गलत कह रहे हो तुमने मूसा को क्यों अफजल कहा यह मुसलमान तुमने ठीक किया है कि तुमने उसको थप्पड़ मारा है यकीनन मैं अफजल हूं मूसा सलाम से बल्कि फरमाया कि मुझे अंबिया से अफजल न कहो अफजल हैं लेकिन अफजल न कहो इसलिए कि तुम जब मुझे अंबिया से अफजल कहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अंबिया मेरे मुकाबले में अदना है मैं आला हूं वो अदना है मैं फजीलत वाला हूं वो मेरे मुकाबले में फजीलत वाले नहीं है अम्बिया फजीलत वाले नहीं है ये किसी भी वजह से किसी भी अनवान से ये बात नहीं कहनी चाहिए और फिर मूसा सलाम के एक फजीलत नबी सलाम ने बयान फरमाई फरमाया तुम जानते हो मूसा कौन है क्यामत के दिन जब अल्लाह त सारे लोगों पर बेहोशी तारी फरमा देंगे सब लोग बेहोश हो जाएंगे तो सबसे पहले होश में आने वाला मैं हूंगा मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले होश में आने वाला मैं हूंगा लेकिन मैं जैसे होश में आऊंगा तो मूसा मुझसे पहले खड़े होंगे और आर्श के पाए पकड़े होंगे फरमाया मुझे नहीं पता कि मूसा सलाम पर वो बेहोशी आई ही नहीं है इसलिए कि कोहितूर पर अल्लाह ताला से उसने जब अल्लाह की तजल्ली मांगी तो अल्लाह ने फरमाया इस पहाड़ को देखो जब पहाड़ को देखने लगे और अल्लाह ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाल दी तो वो देखने के ताब न ला सके और बेहोश हो गए उस बेहोशी की वजह से अल्लाह ने यहां के बेहोशी से उसको मुस्तना करार दे दिया कि वो यहां बेहोश नहीं होंगे या तो ये है और या फिर उत, वो इतने बड़े मकाम वाले हैं कि यहां बेहोश होकर वो मुझसे भी पहले होश में आ गए हैं दोनों सूरतों में मूसा सलाम का बहुत बड़ा मकाम है ऐसा मकाम कि ये खास फजीलत मुझे भी हासिल नहीं है नबी फरमाया। मजमू लिहाज से तो हैं, लेकिन एक खास फजीलत मूसा सलाम को मुझ पर भी हासिल है तुम ये ना कहो कि मोहम्मद सल्ला मूसा से अफजल हैं इसकी जरूरत नहीं है बिला जरूरत ये बातें ना करो अंबिया के दरमियान तफाजुल बयान नहीं करो इसको तफाजुल कहते हैं कि फला फला से अफजल है फला फला से अफजल है फला इतने कहाँ है फला तो इतने नहीं है जैसे हमारे खुतबा कहते हैं जब नबी आलाम की शान बयान करते हैं तो दूसरे अंबिया की वजबिल्ला कमी बयान करते हैं कि मूसा ने तो इतना सा किया था ईसा आल्लाम ने तो इतना सा किया था और हमारे नबी वहां तक पहुंच गए इस मुकाबले के अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करना कुरान और हदीस के मुताबिक ये ठीक नहीं तो जब यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतालिक अलैहिस्सलाम ने वाज तौर तो पर फरमाया कि मुझे कोई यूनुस से अफजल न कहे मैं ये सुनना नहीं चाहता हूं यूनुस भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी है और जब वो नबी हो गए तो अब उनके बारे में कोई बात करना जायज नहीं जमात का अकीदा यह है कि अव्वल से लेकर आखिर तक सारे अंबिया मासूम है और मासूम का मतलब यह है कि वो गुना नहीं करते थे और अगर उनसे कोई थोड़ी बहुत लफ्जश हुई है इंसान थे तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया ऐलान कर दिया कि मैंने उनको माफ कर दिया लिहाजा वो मासूम है इस माने में अंबिया के बाद बड़ी बड़ी हस्तियां आई है वो सारे के सारे अलिया उल्लाह और उनमें भी मरातब का फर्क है खलफा राशिदीन है आश्र मुबरा है बदरी सहाबी है सलाम की बीवियां हैं आपकी बेटियां हैं आपके दामाद हैं उनका अपना एक मकाम है बाद में आने वालों का मकाम अलग है मक्का से पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है यानी फतेह मक्का से पहले उनको सबकिन एवलिन कहा जाता है और जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया है उनको तुलका कहा जाता है कुरान ने कहा है लाइस तवी मिन कुमन अनफक मिन कबल الفتح وقاتل۔ जिन लोगों ने मक्का से पहले फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया है और जिन्होंने बाद में कबूल किया वो बराबर नहीं है सबकीन अवलीन का जो मकाम है वो बाद में आने वालों का नहीं है लेकिन ये भी फरमाया वकुल हसन दोनों के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है दोनों जन्नती है सुहाबा मरातब में दराजात में फर्क है लेकिन दोनों अल्लाह के वली हैं और दोनों सुहाबा हैं और हमारे लिए हुक्म यह है हमारा अकीदा यह है कि हमने सहाबा से मोहब्बत करनी है बिला तफरी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं करना है कि नहीं आली से मोहब्बत है माविया से नहीं है आली से मोहब्बत है उस्मान से नहीं है बनु हाशिम से मोहब्बत है बनु उमैया से नहीं है नहीं कोई तफरीक नहीं करनी है वो तमाम के तमाम हमारे लिए आसमान के सितारों के मानंद है जो जो सब सितारे हैं सितारे होने में और चमकदार होने में और रोशन होने में उनमें कोई फर्क नहीं है बाकी तहकीक में कोई जाए तो फर्क होता होगा किस सितारे का हजम कितना ज्यादा है लेकिन हमारे लिए सब बराबर है और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि मोहम्मद वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है आपने फरमाया लोगो मेरी वसीयत सुनो और कबूल करो एक वक्त आएगा तुम लोग मिस्र को फतह करोगे सन 21 हिजरी में हजरत आमर अब्दास रजी सहा रसूल है उन्होंने इस को फतेह किया फरमाया मिस्र को फतह करते वक्त तुम इस बात का जरूर ख्याल रखना कि तुम्हारी एक माँ हजरत हाजर इस्माइल इसमाही वालिदा, वो किब्ती कौम से ताल्लुक रखती है फिर की कौम से बन इसराइल से नहीं मिस्र में दोनों थे बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने त्राउन की कौम यानी किब्तीयों से नजात दी तो बनी इसराइल अल्लाह वाले थे किताबुल्लाह वाले थे अम्बिया वाले थे और फिर और उसकी कौम उस वक्त अल्लाह की दुश्मन थी लेकिन उसी नस्ल से हजरत हाजर है जो मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहिम आसमाम को हदये में दी और फरमाया कि एक तुम्हारी मां अजवाज मतहारात में से मारिया किबतिया किबतिया किबत कौम अकबात से है मारिया जिसका नाम है और जो नबी सलाम की उम वलद थी वलद उस कनीज को कहा जाता है कि जिससे बेटा या बेटी आपके पैदा हो नबी आसम का एक बेटा इब्राहिम वो मारिया के बतन से पैदा हुआ था फरमाया तुम जब भी मिस्र को फतेह करो तुमने इन दो रिश्तों का ख्याल रखना है क्या मतलब कि वो इब्राहिम के ससुराल वाले हैं वो मोहम्मद वसल्लम का ससुराली रिश्ता है उनके साथ तुम उसका ख्याल रखो कि तुम्हारे नबियों के उनके साथ रिश्ते हैं वो जैसे भी है काफिर है गैर मुस्लिम है तुम्हारे मुकाबले में आ हैं तुम उनको फतह कर रहे हो लेकिन उनको बेदरे कतल करना उनको हकीर समझना उनकी तोहिन करना यह हरगिज जायज नहीं है आप अंदाजा लगाइए हजरत इब्राहिम के बेटे इसमाही है की औलाद में मोहम्मद सल्लाम है और मोहम्मद सल्लाम का जो सिलसिला खानदान का हम बयान करते हैं आठ दस बारह पुश्तों में जाके वो आदनान तक पहुंचते हैं और आदनान से ऊपर इस्माइल तक पत्नी उनकी कितनी पुश्ते हैं दर्जनों पुश्तों का नबी असलातलाम ख्याल रखने का कह रहे हैं कि नहीं तुमने वो बहुत पहले के जो तुम्हारे जद्द हमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनके रिश्ते का भी ख्याल रखना है आप बताइए कि नबी अलतम के दादा हाशिम नाम है उनका अब्दुल मुत्तलिब के वालिद अबू तालिब और अब्दुल्ला के दादा हाशिम का ठीक है और उमैया का जो आपस में ताल्लुक है वो चचा भतीजे का है हाशिम के बड़े भाई का नाम था अब्दिशम्स, ये दोनों भाई अब्द मनाफ के बेटे हैं और अब्दिशम्स शम्स का बेटा है उमैया जो उस कबीले का सरदार था और आशिम इस कबीले का सरदार था दोनों कुरैशी हैं अब क्या उमैया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के भतीजे है उनसे रिश्तेदारी का कोई ख्याल आप न, आप नहीं रखेंगे इब्राहिम से रिश्तेदारी के ख्याल रखने का हमें वसीयत फरमा रहे और अपने दादा के भाई और भतीजे अब सौरन और उनके बेटे उमैया से क्या नफरत होगी तारीख में एक बहुत गलत नक्शा पेश किया गया है कि बनु हाशिम वाले हक और बनु उमैया वाले बातिल है जैसे मूसा और फिराउन है कुरान करीम में शजर मलयूना का लफ्ज आया है कुरानी करीम में जहन्नुम के मुतालिक आए कि वहां पर एक बुरा पौधा होगा जिसको शजर मलयूना कहा जाता है इन बदबख्तों ने बनु उमैया को शजर मलयूना कहा है ये तो एक मलयून शजर नसब है लानती शजर नसब है इन लानत भेजो इतनी हया भी नहीं आई कि वो नबीम का खानदान है अरब हैं कुरैश है, है परदादा के भतीजे हैं फिर उसी उमैया से हजरत उस्मान रजी उनकी औलाद में से है हजरत हैजरत हबीबा उमोमीन है अबू सुफियान की बेटी है उनका भी कोई ख्याल नहीं रखा कि उमैया तो उनके दादा हैं उनके वालद अबू सुफियान है उनके भाई मुआविया है नबी सलाम की सोज मतहरा के भाई हजरत मुआविया एक तारीख में एक लड़ाई हुई है जीद और हजरत हुसैन रजी अल्लाह की और सारे अली सुन्नत जमात का इस पर इतफाक है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह सुहाबी रसूल है बरहक है मजलूम शहीद है उनकी शहादत में जिसने भी बर रास्त कोई किरदार अदा किया या बिलवासता किरदार अदा किया या कोई बात कही या कोई मशवरा किया या उस पर राजी हुआ वो बहुत बड़ा मुजरिम है चाहे कोई भी हो लेकिन तारीखी हकैक को एक गलत रंग देना और उसकी वजह से यह दरवाजा खोल देना कि तुम माविया को भी गालियां दो तुम अबू सुफियान को भी गालियां दो तुम उस्मान को भी गालियां दो तुम हजरत आयशा को भी गालियां दो तुम अबूबकर उमर को भी गालियां दो इसलिए कि वह हजरत अली के मुकाबले में थे हजरत हुसैन के मुकाबले में थे और इन सब ने मिलकर सहाबा नबी सलाम की औलाद को कत्ल किया ये एक बहुत गलत और मुजरमाना सोच है सबसे बड़ी तरदीद इसकी इस तरह होती है कि करबला के अंदर जो बहत्तर लोग शहीद हुए जिनमें अट्ठाईस लोग हाशिमी थे बनु हाशिम के या अबू तालिब की औलाद में से थे उनमें हजरत हसन रजी अनु के एक बेटे का नाम है उमर हजरत आली के एक बेटे का नाम है अबू बकर, फातिमा से नहीं है दूसरी बीवी से है हजरत हुसैन के एक बेटे का नाम है अबू बकर दूसरे का नाम है उमर तीसरे का नाम है उस्मान ये नफरत है कोई अपने बेटे का नाम फिर रखता है अबू जाल रखता है अबू लहब रखता है हो भी अबू जहल के नाम से किसी का बेटा मौसम और उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हो मोमिन अगर वो है तो उस नाम को तब्दील कर दे सारी जिंदगी अपने बच्चों के नाम रखे उनसे मोहब्बत की फख्रियत तौर तो पर उनके नाम रखे जैसे हम मोहम्मद रखते हैं हुसैन रखते हैं अली रखते हैं क्या इन लोगों की सहाबत से कोई नफरत थी? वाला ज़ुबिल्ला? कतान नहीं उनके लिए भी अबू बकरमान अली इतने ही महतरम थे जितने अली जमात के लिए हजरत आयशा इतनी ही महतरम थी जितने हमारे लिए है बल्कि इससे कहीं बढ़कर कहा हमारी मोहब्बत और हमारी अकीदत और हमारा ईमान और कहा अलिबै का ईमान तो हमेशा दीन इस्लाम का ये अख्तसास है कि इसमें गुलू नहीं है इफरात तफरीत और मनगढ़ चीजों के पीछे नहीं जाना है अल्लाह की इबादत रसूल्लाह की तात फरिश्तों पर ईमान अम्बिया पर ईमान कुरान और हद तबाह और बाकी जितनी महतरम शख्सियात है वो हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है हम उन पर ईमान लाए अमन तो बिल्ला ईमान मुजमल और ईमान मुफसल में कहीं उसका जिक्र नहीं है लेकिन उनका अहतराम हम पर फर्ज है और बिला तफरीक फर्ज है सो, सो साल गुजरने के बाद आज अगर हमारा कोई जैन बनाता है किसी भी सहाबी के हवाले से तो बिल्कुल गलत है हमेशा दीन इस्लाम की सही तालीमत पढ़कर उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह अमल के तोफी ताफर में वाहिर